मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ससुराल वालों ने धोखा दिया तो उसको पराया कर दिया जाता है, सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाते। मेरे जानने वाले का आशीर्वाद है, बहुत सुकून है वहाँ, वहीं लेकर के जा रहा हूँ। मेरे सारी गलतियों को पहले वाले तुलसी समझ के माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे चाची। अंदर जब तक जगह नहीं मिल जाती ये सब बाहर ही बैठेंगे। बाबूजी, मैं चलती हूँ आपके साथ, माँ और सुमध्या को यही रहने देते हैं। अपने हिसाब से सोच के आ जाते हैं, जब जगह ही नहीं है तो कोई कहाँ रहेगा। अगर वो यहाँ रहते ना तो कोई ना कोई सुविधा हो ही जाती। लेकिन अभी वो नहीं है बाबूजी, मैं एक बार मैनेजर से बात करूं। अरे कोनो फायदा नहीं है, कहाँ से आए हैं आप? कौन है आप? हम भी बस हफी की तरह एक इंसान है। तो नाम आप भी तो होगा तुम्हारा। जी बिल्कुल है, सब लोग यहाँ प्यार से हमको बिरजू बनाते हैं। आप हमारा हमसे नाम पूछेंगे, आप पूछें इसके पहले ही हम आपको बता ही देते हैं। देखिए, हम यहाँ पर लोगों के सर पर छत से लेके उनके पेट भरने तक की व्यवस्था करते हैं। लोग हर जगह से कभी खाली हाथ निकलते हैं, लेकिन बिरजू के पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। हमें भी कोई कमरा दिलवा देना। आपकी लड़की है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। प्रधान जी होते ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो भैया हमें भी कोई कमरा दिलवा दो ना, हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, अभी कमरा दिलवा देते हैं, आइए। जी कितना हिसाब किताब करेंगे, रखिए वो सब। अरे भाई, मुंशी जी ने क्या घपला किया कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका फोन है। हेलो हेलो, मैं तुलसी का चाचा रघुनाथ बोल रहा हूँ। जी प्रणाम। नमस्ते, और सब ठीक ठाक? भाई यहाँ की कोई खबर लगी है आप लोगों को? जी नहीं, हमारे खबरें तो आप ही हैं, बताइए। अरे भाई, तुलसी के सब्जी बेचने की वजह से ना पूरे गाँव में थू थू हो गई है, और वो उसे गांव छोड़ना पड़ रहा है। क्या, गांव छोड़ के जाना पड़ा? कहाँ गई वो? भाई अब आप भाई साहब को तो जानते ही हैं, अब इज्जत हो ना हो बस उसे संभालने में लगे रहते हैं। सुना है किसी आश्रम लेके गए हैं ताकि गांव में उसके पागलपन के बारे में किसी को पता ना चले, अब तुलसी वहीं रहेगी। इतना कुछ हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे इसी डर से तो उसे वहां पर लेके गए ताकि किसी को उसके पागलपन के बारे में पता ना चले। लेकिन पागलपन कभी भला किसी से छुपा रह सकता है? तो क्या उसके दिमाग पे सच में असर पड़ा है? सारी बातें उसी को लेकर तो हो रही हैं, और आप अभी भी शक कर रहे हैं? पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा है उसका पागलपन। लगता है विनय के गायब होने से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा। भाई वो तो शुरू से थोड़ी पागल थी, लेकिन अब तो पूरी पागल हो गई है। अच्छा एक बात बताइए, तुलसी को आजीवन मायके का बनवास देना है या आप लोग वापस भी ले जाओगे? अरे इसमें लेकर आने की कौन सी बात है, केदार चाचा खुद ही उसे यहाँ से लेकर गए थे, जब चाहे पहुंचा दे, आखिर ये उसका भी घर है। अजीब आदमी है। बाबू जी, कौन चला गया गांव छोड़? तुलसी। तुलसी गांव छोड़ के चली गई? हाँ, पता चला है किसी आश्रम में रहने गई है। अरे बड़े अजीब आदमी है ये लोग, उनके पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या? एक छोटा सा बच्चा उसके साथ है, हमारे घर का चिराग है, छोटे से बच्चे को दुख देने पर तुले हैं ये लोग। आपको उन लोगों का इतना फिकर करने का कोई जरूरत नहीं। अरे अच्छा ही है ना आश्रम चली गई, उसके चक्कर में उसका बाप और भाई दिन रात घर की बहरी रोनते रहते हैं। उस पगली को अपने घर में रखना कौन चाहेगा? देखिए विनय बाबू को ठीक होके आ जाने दीजिए, फिर वो जो ठीक समझेंगे करेंगे। आपको उन लोगों का इतना फिकर करने का जरूरत नहीं है।
अरे भाई, लेकिन आखिर वो इस घर की इज्जत है। हाँ, बिना इज्जत उज्जत के चक्कर में तो पड़ी है। जानते हैं भैया जी, उसे फूटी आंखों नहीं देखना चाहिए। अगर भैया जी को पता चल गया ना कि आप उसका इतना फिक्र कर रहे हैं, तो भैया जी आपसे भी गुस्सा हो जाए। फिर करते रहिए अपना बिजनेस। लीजिए दूध पीजिए। आइए, ये है आपका कमरा। अरे कमाल का कमरा है अम्मा जी। अरे सच कहूं अम्मा जी, तो इस कमरे के लिए लोग बहुत जुगाड़ लगाते हैं। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ये कमरा मिल गया। अरे खिड़की खोलिए तो हवा ही हवा, सूरज की रोशनी सीधे कमरे में, सूर्योदय भी देखिए और दूसरी साइड से सूर्यास्त भी। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, खुश रहो, इसी तरह सबका भला करते रहना। तुम तो हमारे लिए देवता बनकर आए हो। अरे अम्मा जी, ये तो हमारा काम है। अच्छा, और कोनो चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करिएगा। जरूर। का आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग वो चिंता मत करिएगा, हम सब सस्ते में दिलवाई देंगे। स्टोव भी मिलेगा, कढ़ाई भी मिलेगी और बर्तन भी। तो बेटा बस तू भी मंगवा दो। अरे बिल्कुल दिला देते हैं। अरे बिरजू है, सब कुछ है। भैया यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे काहे नहीं मिलेगा, यहाँ काम की कोनो कमी है का? यहाँ काम बहुत है। दिहाड़िया महिमारी पे लोग यहाँ काम करते हैं। कौन सा काम? अरे काम का का है, ही झाड़ू पोछा, मिट्टी खोदना, ईंट उठाना और सब्जी बेचना। यहाँ सब्जी बेचने का भी काम मिलता है? अरे बिल्कुल मिलता है। तो सुमतिया यही काम करती है और उसके साथ मैं भी। फिर ठीक है, ऐसा करिए सुबह आप लोग आश्रम के गेट पर हमें मिल जाइए, हम आपका वहाँ काम भी लगवाई देते हैं। भैया आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम्हें एहसान की क्या बात है, सेवा के लिए हम तो हाजिरी हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, लोग भी आराम करिएगा, कैसे काफी थक गए होंगे। अच्छा अम्मा जी अब हम चलते। सुमतिया कल सब्जी बेचने का काम पक्का हो गया, कल सवेरे हमें बिरजू भैया से मिलना है। ठीक है सुमतिया, सिर्फ तुम ही जाओगी। क्यों, मैं भी जाऊंगी इसके साथ? यहाँ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रधान जी को आने दो, तुम्हें मोमबत्ती अगरबत्ती बनाने के काम में लगा दूंगा। लेकिन प्रधान जी को आने में समय है। पर तब तक मैं हूँ ना। दुल्हन, बाबूजी सही कह रहे हैं, आप ये काम मत कीजिए, मैं करती हूँ ना। क्यों रे, आज कितने की टोकरी उठाई? चल जा, शाम को आके हिसाब दे देना। बहुत लोगों को काम दिया है ना आपने। अरे हमारा तो धंधा ही यही है, जरूरतमंदों की मदद करना। वो आपकी मैडम नहीं आई? नहीं नहीं, वो तो हमारी मालिक लोग हैं, वो सब्जी बेचने का काम थोड़ी करेंगे। तो कौन सा काम करते हैं? वो काम उनका दिलवाई देते हैं? नहीं नहीं, वो कोई काम नहीं करती, हम है ना, हम काम करेंगे। कमाल है, तुम्हारे अंदर भी सेवा भावना कूट कूट के भरी है। अच्छी सेविका मिली है तुम्हारी मालकिन को।
हमको भी इस सब्जी की टोकरी लेनी होगी। हाँ हाँ सब कुछ यहीं पर मिलेगा। अरे ओ फौजिया इधर आना जरा। आती हूँ। क्या बात है बिरजू? देख फौजिया ये नई आई है। नमस्ते। आज से ये भी काम करेगी। अरे बिरजू ये नई है कर लेगी का? जी हम पहले गांव में ना सब्जी बेचते थे। अच्छा ठीक है। यहाँ सब कुछ टोकरी के हिसाब से बिकता है। तीन टोकरियाँ बनती है, एक 60 का है, एक 80 का और एक 100 का। देखो जैसी तुम्हें जरूरत लगे वैसे अपने हिसाब से ले लेना। अच्छा तो अब हम चलते हैं, शाम को आके हिसाब जरूर दे देना। जी ठीक है। ठीक है आ जाओ ले लो आके। बताओ कौन सा टोकरी दे? ये 60 वाली। ये वाला? ये 60 का टोकरी है, उठाओ इसे। शाम को हिसाब जरूर दे देना। हाँ जी। अरे ये बच्चा लोग। रुपए पैसे की चिंता तुम मत करो तुलसी, तुम्हारे बाबूजी गांव जाएंगे ना वहां से पैसे लेकर आ जाएंगे। लेकिन माँ बाबूजी कहाँ से लाएंगे? किसी ना किसी से कर्ज लेंगे या भैया से लेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और जब सुमित्या काम कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? सब काम सब लोग नहीं करते ना बेटा, इसी वजह से तो हम गांव छोड़कर यहाँ चले आए। अब यहाँ भी वही काम करने लगेंगे तो क्या फायदा? तेरे बाबूजी तो सोच समझकर ही तुझे यहाँ लेकर आए हैं। माँ सुमित्या दिन रात तक काम करेगी और मैं बैठे बैठे खाऊं? नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा कुछ ही दिनों की तो बात है, इस आश्रम में तेरे लायक बहुत सारे काम है। ये सब्जी बेचना, मट्टी खोदना, ये सब काम हमारे परिवार की लड़कियों को शोभा नहीं देता। लेकिन माँ यहाँ कौन देखने वाला है? बेटा फिर भी तुझे ये काम नहीं करना है बस। अरे तुलसी की माँ ये लो मैं दूध ले आया हूँ चाय बनाने के लिए। ए जी समझाइए अपनी लाडली को, इसे सुमित्या से मोह हो गया है। ये कह रही है कि सुमित्या कमाएगी और हम बैठ के खाएंगे। अरे बेटा हम उसका पैसा खाएंगे क्या? मैं हाकिम के पास जा रहा हूँ, वो तुम्हारा हर महीने का खर्चा देगा। अब उसके मौन व्रत रखने से मैं चुप तो नहीं बैठूंगा ना। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे और कान्हा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रही। बड़े भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उन पर रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बाबूजी प्रयाग जाइए और साथी के बारे में पता कीजिए। इतने दिन हो गए और उनका कुछ भी पता नहीं चला, और जब साथी लौट आएंगे तो ना मुझे भटकना पड़ेगा और ना ही कोई काम करना पड़ेगा। बस एक बार साथी और अम्मा जी आ जाए फिर मैं और कान्हा उनके साथ ही घर चले जाएंगे। हाँ बेटा बाबूजी जाएंगे, तू चिंता मत कर। हाँ बेटा यहाँ सब ठीक करके मैं प्रयाग चला जाता हूँ। अरे शेखर, शेखर कहाँ हो? शेखर! अरे शास्त्री जी आप मत। अरे बहुरिया शेखर कहाँ? क्या हुआ चाची जी? अरे तुम्हारे चाचा को किसी ने कहा कि हाकिम का आदमी वो भाई साहब के जमीन में खेती कर रहा है। क्या हमारी जमीन पर खेती कर रहे हैं? अरे बहुरिया हम तो बस सुने और भागे भागे चले आए तुमको बताने के लिए। एक तो जमीन धोखे से लिखवा लिया कॉलेज बनाने का नाम, और अब उसके ऊपर खेती भी कर रहा है, सरासर मनमानी है। अरे बहुरिया अब जमीन उसके नाम पे है, चाहे वो कॉलेज बनाए चाहे खेती करे उसकी मर्जी। हा? चाची जी वो जमीन हाकिम सिंह के नाम पर नहीं है, वो जमीन तो तुलसी और विनय बाबू के नाम पर है। विनय बाबू का तो कोई अता पता है नहीं, और वो तुलसी उसको भी उन्होंने घर से बेदखल कर दिया, तो ये मनमानी ही हुई ना। सुना आपने हाकिम सिंह की मनमानी? वहीं से आ रहा हूँ देखकर। तो कुछ किया क्यों नहीं आपने? क्या करूं? क्या करता मैं का मतलब, आपका खेत कोई और जोत रहा है, आप वहीं से आ रहे हैं और आपने कुछ किया भी नहीं, उनको रोका तक नहीं। अच्छा किसी लायक छोड़ा है उन्होंने हमें? हाँ जमीन हमारे नाम पर है क्या? जमीन हमारी है लेकिन आप ना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ठीक है?
एक तो जमीन धोखे से कॉलेज के नाम पर लिखवा दिया, अब उस पर खेती कर रहा है। वाह जी वाह, मनमानी की तो हद होती है। अरे मैं तो कहती हूँ तुम लोग को पुलिस में जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो कब से कह रही हूँ, एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे ना, उस हाकिम सिंह का घमंड ना अपने आप चूर चूर हो जाएगा। लेकिन चाची। अरे शेखर बेटा, अगर तुम लोग जल्दी कुछ नहीं करोगे ना तो सब हाथ से निकल जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ बुलाओ अपने बाबूजी को और एक धोखाधड़ी का केस करो। भला कॉलेज के नाम पे जमीन लेके कोई खेती कैसे कर सकता है? हाँ जी कुछ कीजिए ना, वरना ये जमीन भी हमारे हाथ से चली जाएगी। वैसे ही हम कंगाल बनने पर ही लगे हुए हैं। कितना नीच निकला ये हाकिम। अरे कोई अपने रिश्तेदारी में ऐसा करता है भला? हाँ ये ले फौजिया, 50 तेरे और 30 तेरे, चल फोट। ये 200 रुपए मेरे। सब्जी बेचने का गुण जानती हो, 60 की टोकरी पर 200 की कमाई, बहुत अच्छा है। कल से 100 की टोकरी लेकर जाना, और कमाई होगी। नहीं नहीं, हम ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कल हम 80 वाली टोकरी लेकर जाएंगे। जैसी तेरी मर्जी, बेचना तुझे। ये ले फौजिया, 60 तेरे और सुमितिया तेरे 40 रुपए। 40 रुपए? हाँ सीधा सा हिसाब है, जितने की कमाई उसका 50% हमारा और बाकी के जो 50% बचे उसमें सब्जी बेचने की टोकरी की कीमत और जो बाकी बचा वो सब्जी बेचने वाले की मजूरी। लेकिन हमको तो ये सब पता नहीं था। अरे यहाँ तो सबको पता है, तू किसी से भी जाके पूछ ले। इससे अच्छा तो हम गांव में ही कमा लेते थे, रोज के 100 रुपए। यहाँ 200 कमाए तो सोचा 60 रुपए टोकरी के देके 120 अपने पास रख लेंगे और 20 रुपए आपको देंगे। भिकमंगा समझे काम का? 20 रुपए की कीमत लगाती हमारी? अरे तुम्हारे जैसे 50 लोग हैं हमारे पास सब्जी बेचने वाले, और कौनो की औकात नहीं कि हमारे पास चू करके बात कर सके। तेरी ये मजाल, अरे पकड़ अपने 40 रुपए और कल टोकरा लेना है तो आ जाना, तुम्हारे जैसे बहुत सब्जी बेचने वाले हैं हमारे पास। 2% की औकात नहीं और हमें चलिए हिसाब बताने। तुम आ गए, सारी सब्जी बेच दी। ये क्या, सिर्फ 40 रुपए हुए आज की कमाई? हाँ दुल्हन, यहाँ बहुत लूट है। दिन भर मेहनत करके सब्जी बेचे हम, और पैसा न सब्जी उगाने वाले को मिलता है और न बेचने वाले को। सारा का सारा पैसा को बिरजू ले जाता है। बिरजू? लेकिन वो क्यों पैसा लेगा? अपनी दलाली का दुल्हन। दिन भर हम जैसे न जाने कितने मजदूरों से वो काम कराता है और खुद तो बैठे बैठे दिन भर के 1000 रुपए कमाता है। लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता है वो दुल्हन। मुखौटा लगाया हुआ था, आप नहीं समझेंगे, यही तो उसकी कमाई है। दिन भर हम जैसे न जाने कितने मजदूरों से काम कराता है और खुद बैठ के पैसे लेता है। दुल्हन अगर यही चला तो हमारा घर कैसे चलेगा? इससे ज्यादा तो हम अपने गांव में ही कमा लेते थे, हमारा पेट कैसे भरेगा?
अब से हम बिरजू के साथ काम नहीं करेंगे, हम मिलके सब्जी बेचेंगे। नहीं दीदी, बिरजू ये भी नहीं होने देगा। यहाँ पे सब उसी के आदमी हैं और हम सब्जी का धंधा उसके बिना नहीं कर सकते। दुल्हन, आज वो हमको एक जगह लेके गया, वहाँ सब्जी का बहुत बड़ा बागान था, वहाँ पे अगर रोज का 100 रुपए नहीं कमाए तो क्या कमाए। लेकिन यहाँ तो ये भी मुश्किल लगता है, इतना कुछ करने के बाद भी आदमी अपना पेट नहीं भर सकता। भर सकता है सुमध्या, एक आदमी की कमाई से ना ही सही, लेकिन दो आदमी की कमाई से तो भर ही सकता है ना। और अब से मैं भी तुम्हारे साथ सब्जी बेचने चलूंगी।